दिल से बुरा लगता है भाई, कट कट कट, पन्ने के पन्ने खत्म होते जा रहे हैं। तुम दोबारा जा रहे हैं मेन मंदिर? आपकी बता दें क्या मनोकामना है? तो खाना खाते खाते हमको ना वो क्या बोलते उसको कचौड़ी खाने की वो आ गई अंदर से। क्या बोला तूने? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज हिमांशु और मैं आया हूँ आज राजस्थान। राजस्थान में आपको बहुत ही स्पेशल जगह लेके आया हूँ। अभी आप यहाँ पे पार्किंग में हमने गाड़ी वाड़ी लगा दी है, अपने दोस्त के साथ आया हुआ हूँ और यहाँ से ऑटो करके हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो बेसिकली मंदिर इतना तो आपको पता ही लग गया, बाकी आपको डिटेल आगे पता लगेंगी। बहुत सही जगह है, मतलब आप मजा आ जाएगा, वीडियो को देखते रहिए। हेलो बेटा, हेलो कर दो, हेलो हेलो करो, हेलो कैमरा बंद कर दे। तो भाई लोग कार पार्किंग से हम लोग जा रहे हैं ऑटो में, ऑटो का किराया ऐसे 100 रुपए। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई ये देखिए, मैं पहुंच गया हूँ खाटू श्याम मंदिर और फाल्गुनी मेला का यहाँ पे आयोजन होने वाला है एक दो दिन बाद से। तो बाकी डिटेल मैं आपको बताते रहूँगा, अभी फिलहाल मैं अंदर दर्शन करने के लिए चलता हूँ और यहाँ पे बहुत भीड़ है, इसके वजह से एकदम मस्त माहौल बना हुआ है, गाने वाने चल रहे हैं मस्त। हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ तक, ऑटो आता है। तो भाई लोग प्रसाद वगैरह ले लेते हैं, तो प्रसाद लेने के लिए हम सोच रहे हैं इसी दुकान से ले लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली पेड़े वेड़े का सिस्टम है, पेड़े ही चढ़ते ना भैया यहाँ भी? अच्छा अच्छा, क्या रेट है पेड़े? 400 रुपए किलो है। तो भाई लोग ये बिल्कुल मंदिर के गेट के सामने ही दुकान है, तो अभी यहाँ से प्रसाद वगैरह ले लेते हैं फिर चलते हैं, आपको बढ़िया दर्शन करवाते हैं खाटू श्याम जी के। तो भाई लोग प्लस पॉइंट ये भी हो गया, भैया ने बता दिया है जूते चप्पल नहीं उतार दिया हमने इनकी दुकान में, तो यहाँ से भी चलते हैं मंदिर होके। जय जय। ये पहुँच गए हम लोग, देखो यहाँ पे लाइन वगैरह से जाना पड़ता है अंदर, अभी तो भीड़ नहीं है। देखो ये पूरा पूरा पैक रहता है, जब यहाँ पे मेला होता है पूरा का पूरा पैक, भयंकर लाइन लगी होती है पीछे तक एकदम। बहुत भीड़ हो रही, मैं तो खो गया हूँ एकदम भाई। आए, आए। देखो भाई लोग एकदम यहाँ पे मेले की तैयारियां चल रही है जबरदस्त जोरों शोरों से, भाई लोग तगड़ी भीड़ है यार, मतलब अभी हम मेले के बहुत नहीं आए हुए। बहुत भयंकर भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो प्रसाद नहीं चढ़ाने देते अंदर और बहुत देर तक वहाँ पे रुकने नहीं देते, ना वीडियो बनाने देते हैं। तो प्रसाद चढ़ाने के लिए अलग से बॉक्स बने हुए हैं ऐसे करके जगह जगह पे, तो यहाँ पे आप अपना प्रसाद चढ़ा सकते हैं। हो गए दर्शन, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय 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 श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। पूरी मंदिर वाली एरिया है, मंदिर के पीछे आपको बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा। अभी तो बहुत भीड़ कम है एज कम्पेयर टू जो अभी यहाँ पे मेला लगता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं अपने चप्पल लेने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे ऐसे श्यामकुंड। श्यामकुंड में क्या है कि वहाँ पे ना आपको जो आप लेटर लिख के आते हो, लेटर का क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान्यता है कि आपको जो भी मांगना है, जो भी आपकी विषय, आप लेटर में लिख के ला सकते हो और श्यामकुंड में जाके यहाँ जमा कर सकते हो। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो भाई लोग हम लोग आए हैं आज शिवरात्रि के दिन, तो हमें भाई लोग सीन क्या हो रहा है ना, आज है महाशिवरात्रि का व्रत और इतने पेड़े और जगह जगह पे चांट वगैरह ऐसी दिख रही है ना, मतलब एकदम
क्या ही बोलूं मैं अब, समझ रहे हो। और हम लोग दर्शन वर्शन करके आ गए एकदम मस्त, मौसम बहुत बढ़िया है, मौसम सही में बहुत बढ़िया है। और सॉरी ईशा, हम शॉपिंग पे नहीं आ पाएंगे सुबह, तो बेसिकली हमारा रैंडम प्लान था आज सुबह महाशिवरात्रि के लिए, मैंने कॉल किया इनको और रैंडम प्लान बन गया, इन लोगों को कल शॉपिंग करने जाना है, तो हमने बोला था कि दो तीन घंटे का रास्ता है गुड़गांव से, पहुंच जाएंगे बच जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है ऑलरेडी, नो ना कितना टाइम लगता है, और गाड़ी बहुत हल्की चलाई है, हम बोलेंगे इसमें से वीडियोस में काटना मत, ठीक है, एडिट मत करना, दिल से बुरा लगता है भाई। कट कट अपना अशोक कुमार भाई, भाई साहब ये अशोक कुमार जी मिल जाएंगे आपको, हमने यहीं से मिठाई विठाई ली है, बहुत बढ़िया, इन्होंने हेल्प भी कर दी फटाफट, पेन और पेपर भी दे दिया है, मिठाई के साथ पेन पेपर अभी फ्री मिलेगा आपको, ये आपकी दुकान का नंबर वगैरह है, आप तुरंत सीधे यहीं आना है, गेट के जस्ट बगल में, बाकी भैया भी है आपको भी मिल जाएंगे। भैया क्या नाम आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी थैंक यू। हेलो दोस्तों। हेलो हेलो दोस्तों। हेलो हेलो। ये देखो यहाँ पे निशा अर्जी लगाते हुए अपनी, तो बेसिकली यहाँ पे मान्यता है कि आप यहाँ आके अपनी विश कोई भी अर्जी लगा के मांग सकते हैं। एक घंटा हो गया हम देख रहे हैं, पन्ने के पन्ने खत्म होते जा रहे हैं, अर्जियाँ खत्म नहीं हो रही है। तो भाई प्लान में चेंज है, जो अर्जी अभी हम जिस दुकान में जहाँ से हमने मिठाई वगैरह ली, उन्होंने बताया कि अर्जी मेन मंदिर में चढ़ानी चाहिए, तो हम दोबारा जा रहे हैं मेन मंदिर, और अर्जी के साथ इत्र भी खरीद के लाए हैं, कहते हैं कि इत्र भी चढ़ाते हैं अर्जी के साथ, तो वापस हम दोबारा लाइन में लग के अर्जी लेके जा रहे हैं, और देखते हैं खाटू श्याम की कृपा होती है हमारे पर या नहीं होती है। आपकी बता दें क्या मनोकामना है? मनोकामना मनोकामना बता दोगे पूरी कैसे होगी फिर? क्या मतलब वही से मनोकामना पूरी हो जाए? दोस्तों इनको तो भाई लोग ये है एंट्री श्याम कुंड की, अभी रात में थोड़ा सा वीडियो थोड़ा इतना साफ नहीं आएगा, बट ये जो मेन मार्केट है यहीं से आप आओगे तो आपको श्याम कुंड भी रास्ते में मिल जाएगा, तो ये भी एक आप है घूम सकते हो, और ये पुलिस आदि को कंधे में चढ़ गई एकदम मस्त। जय चले श्याम कुंड फिर। तो भैया ये है श्याम कुंड, नीचे कुंड है क्या? अच्छा सूखा है भाई, ये वो पोटलियां हैं तुम्हें याद है जो झंडे में दिख रही थी श्याम कुंड में, जैसे हम आए हैं अभी तो लाल कुंड बिल्कुल सूखा हुआ है, बट यहाँ पे जो आपने देखा था स्टार्टिंग में झंडा लेकर आ रहे थे उनकी पोटली में, झंडे के ऊपर टॉप में कुछ बदा हुआ था, तो यहाँ के बात दिया है पूरा ऐसे, वो ज्यादा सफाई के लिए खाली कर रहा हूँ, कह रहे थे क्योंकि कल से वो है ना ग्यारस का मेला है। अच्छा हाँ 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 हाँ, इसको सब भरेंगे कल। तो भाई लोग अभी हमें एक भैया मिले थे जो बता रहे थे वो पहले भी आए हुए, तो पुनीत जहाँ गया था दूसरा कुंड है, वो भी एक और कुंड है यहाँ पे, बहुत तेज की भूख लगी थी तो हम लोग खाना वाना कर लेते हैं। तो भाई लोग ये वाले रेस्टोरेंट में हमने डिनर कर लिया है अभी, तो मतलब खाना ओके ओके था, इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, बट 100 रुपये में ठीक है मतलब, बट फ्री बता रहा था कि एक आगे और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपको अच्छा खाना भी मिलता है क्वालिटी वाइज और क्वान्टिटी वाइज, तो खाना खाते खाते हमको ना वो क्या बोलते उसको कचौड़ी खाने की वो आ गई अंदर से, क्या बोला तूने? तलब आ गई एकदम, कहते हैं तलब आ गई है, तो वही अब कचौड़ी की तलाश में हम लोग निकल रहे हैं यहाँ।